हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग सेट नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, समझ समझ के पढ़ना है और याद करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा सेट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, इसलिए कि उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्पज़ से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, थोड़ा सा अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपका आगे जो लाइफ है वो हमेशा आपका जिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत आपका आराम से गुजरेगा। तो चूंकि आपका इंटरमीडिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भी देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले वही करेंगे। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ, अपना जो भी आपका बेस्ट है वो उससे आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, बनता आया होगा। आई यू हाउ, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कैसा बनता है। ठीक है, कितना बना पाते हैं, उसी तरह से आपको हम सजेस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर मेरा आप वीडियो देखिए। तो पहले आप पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए फिजिक्स का क्लास 12 का क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, इफ़ ए सॉलिड बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड बाई फ्रिक्शन, इट मीन्स द बॉडी हैज़। ठीक है, देखिए सॉलिड बॉडी है और ये फ्रिक्शन से निगेटिवली चार्ज अगर होता है तो इसका मतलब है क्या है कि उसमें वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करेगा। ठीक है, तो अक्वायर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट सम प्रोटोन तो होगा नहीं, इसलिए कि अगर प्रोटोन को सिर्फ देने से नहीं होगा ना, प्रोटोन अगर देगा तो वो फिर इलेक्ट्रॉन भी लेगा। ठीक है, अक्वायर सम इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, लॉस्ट सम पॉजिटिव आयन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट आंसर वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ए मेटालिक स्फेयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मेटालिक स्फेयर है। ठीक है, ओके, तो कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो करेक्ट है वो है आपका ये चौथा जो लाइन है ना, ये सही है। देखिए, इसलिए कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद रखिएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑफ स्फेयर वो कितना होता है, वो होता है आपका 0। ठीक है, तो अंदर तो होगा नहीं, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर तो आपका गलत हो गया। ठीक है, और 1 नंबर जो है, तो 1 नंबर इसलिए रॉन्ग है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, यानी यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालें तो इस टेंजेंट के क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, इसमें तो नहीं बन रहा था। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि अब इसको मिलाइएगा तो ये रेडियस से मिल जाएगा, अलोंग द रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर से पास करेगा, है ना, इसे मिलाइएगा तो, हाँ, तो ये आपका ठीक है नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर का 0 होता है, और दूसरा ये कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू, ठीक है, टेंजेंट, है ना, एट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलिए या बोलिए आप सरफेस, सरफेस पे जो टेंजेंट होगा उस पे ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी अगर याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो हम लोग क्या था, वो हम लोग का करेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, ये हिंदी में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, कहाँ चला गया, चलिए इधर है, यस, ए पॉइंट चार्ज, पढ़िए क्वेश्चन को, क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डेफिनेटली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, गॉस लॉ पढ़े हैं ना, गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी तरह का क्लोज सरफेस हो उसमें से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ठीक है, तो एरिया पर तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो एरिया ये गलत है, फिर बिटवीन द मीडियम बिटवीन द प्लेट इस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये एरिया है,
ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, और आपका मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है हम लोगों का, वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तो देखिए आइए देखते हैं। ये याद रखिएगा, नॉट पूछा है, नॉट पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो दे डू नॉट क्रॉस इच अदर, तो ये क्या है, ये यस प्रॉपर्टी है, यस इट इज प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है उसको आप प्रॉपर्टी बना करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी आपको प्रॉपर्टी पूछ देगा तो ये काम आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, यस ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फिर फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, ठीक है, यही गलत हो गया। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर, इमेजिनरी स्फीयर, ये आपका सही है, ठीक है। देखिए तो असल में जो होता है, क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्यों, इसलिए कि जो प्लेन हो, ये असल में एक प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो आर, ये आपका प्लेन होता है, आर प्लेन्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस था ना, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे, हाँ, क्या लिख देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। आर प्लेन्स, प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका गलत जवाब है, इसलिए हम लोगों को नॉट चुनना था, तो नॉट आपका सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्या है, देखिए 6 नंबर को अच्छे से पढ़िए, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, क्या बोलता है, द चार्जेस 3Q+Q एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है देखिए, यहाँ पे है आपका एक चार्ज है +3Q, ठीक है, एक चार्ज आपका +Q और एक चार्ज आपका कैपिटल क्यू। बोलता है कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा, कि जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले तो एक चीज़ जानिए कि इन दोनों में क्या होगा, सेम चार्ज है तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको बोलें 1, इसको बोलें 2, इसको बोलें 3, ठीक है, तो F12 आपका ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जीरो होने के लिए ज़रूरी है कि F जो 2, 3 है वो ऐसे रहे, तभी ये कैंसिल होकर के जीरो होगा, ठीक है, और वैल्यू में बराबर आना चाहिए। तो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू होगा इन दोनों का, वैल्यू क्या है, इन दोनों का वैल्यू है फोर्स का, ठीक है, के Q1 Q2 यानी 3Q² / डिस्टेंस, मान लेते हैं आर स्क्वायर है, क्योंकि डिस्टेंस आपका इक्वल दिया है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू होना चाहिए ना, तो इतना ही वैल्यू कब होगा, जब क्यू भी आपका 3Q होगा और रिपल्सन के लिए +3Q होना चाहिए। तो ए नंबर आपका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, क्लियर है, आई होप आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो देखिए इस तरीके से ही हम लोगों को करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फिर चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या है, बोलता है स्फेयर ऑफ बैड कंडक्टर, ठीक है, इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बैड कंडक्टर होता है ना, तो बैड कंडक्टर क्या होता है, जाहिर सी बात है, ये इसका कंडक्टिविटी क्या है, जो है बहुत कम है, इसका कंडक्टिविटी होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसमें चार्ज देंगे तो सरफेस पे तो नहीं जाएगा, इनसाइड तो होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड आपका वो जीरो होता है, तो ये तो होगा नहीं, ओनली इनसाइड, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो असल में ये डी नंबर करेक्ट होगा, इसलिए कि जो होगा क्या होगा आपका, ये होगा आउटसाइड द स्फीयर होगा, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस। आप जो भी आप चार्ज देंगे वो क्या होगा, वो आउटसाइड द सरफेस जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल, हाँ, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है मेटल का, तो मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो होता है हम लोगों का
इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। आइए 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि इसका नाम है आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का जूल होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का एनर्जी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जूल, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ रहेगा तो ये भी याद कर लीजिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है भी, ठीक है, और भी को हम लिखते हैं क्या, क्यू बटा का चार्ज, डब्ल्यू बटा का चार्ज, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, भी इज इक्वल टू होता है हमारा, होता है डब्ल्यू बाई सी होता है, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है आपका वर्क डन का हो जाएगा हमारा, ठीक है, वर्क डन का हम लोग ले लेंगे न्यूटन, जूल ले लेंगे, ठीक है, वर्क डन का जूल हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा हमारा पर कुलाम, ठीक है। तो जूल पर कुलाम ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हाँ। और अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया है, जैसे पूछा है इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो एक तरह का एनर्जी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा सिंपली जूल, ठीक है ना, ओके। तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा तो आपको आसान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो लो से हाई में जा रहा है तो बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू भी, ठीक है ना, यही वर्डन जैसे होता है ना, वर्डन इक्वल टू, यहाँ से आप देखिएगा तो क्या आएगा, क्यू भी आएगा, तो वर्डन ही है एक तरह से, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्यू भी हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका हो जाएगा क्यू डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भी आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है लो टू हाई, यानी अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब ये मेरा देखिए हाई है फाइनल और इनिशियल लो है, तो ये तो मेरा पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो जो हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो इधर भी आपका पॉजिटिव होगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से समझ के बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। आइए 11 नंबर में है, ए फोर्स 4 न्यूटन, ठीक है, इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इन एयर, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ग्लास, परमिटिविटी आपको देखिए 8 दे दिया है, तो न्यू फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, इसको भी हम लोग निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा, जैसे एफ हम लोग का क्या होता है, एफ होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो दिया है वो आपका 4 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एयर में, अगर हम लोग इसको निकालते हैं ग्लास में, तो ग्लास में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यानी सारा वही रहेगा, सिर्फ आपको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है। तो एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4/8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 0.5 न्यूटन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलिनोइड, तो इन साइड जो सोलिनोइड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रांग होता है, ठीक है, याद है बी का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, इन साइड, तो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, और क्या होता है, अच्छा खासा इसका वैल्यू होता है, तो ये हम लोग इसको स्ट्रांग में लेंगे, ठीक है, वीक बाहर में होता है, याद रखिएगा, हाँ। चलिए फिर क्या है, 1 गाउस किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो 1 गाउस किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा 10^-4 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड द इक्वेटर, ये हम लोग का ना रिपीट कर रहा है, ये हम आपको पहले बताए थे, ठीक है,
क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर दीजिए ठीक है। कितना होता है तो पोल पे होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है ठीक है। 15 नंबर, द एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड करेंट गेट्स स्टेडी ठीक है वैल्यू, व्हेन द इनिशियल करेंट विल बी, तो इनिशियल करंट क्या होगा ना, स्लाइटली जो होगा आपका हायर देन इट्स स्टेडी करंट होगा। क्यों होगा ऐसा, इसलिए होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण क्या होगा, स्टार्टिंग में ना अचानक से जो करंट है वो बढ़ जाएगा बहुत ठीक है, और बाद में फिर क्या हो जाएगा, वो स्टेडी हो जाएगा ठीक है। ओके अच्छा, तो ये भी याद रखना हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 16 क्या है, 16 नंबर ये रहा ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंसेस ठीक है, क्या बोला है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है ठीक है। ये दोनों याद रखना है आपको, सीरीज में एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको करंट जो है वो रहता है सब में कांस्टेंट रहता है, करंट सेम रहता है ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस ईच रेजिस्टर है ना। अच्छा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, ये आपका सेम रहता है ठीक है, तो ये भी याद करना है तो वो भी याद कर लीजिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17। देखिए 17 में देखिए ग्राफ दिया हुआ है ठीक है, और ग्राफ देख करके हमको ये बताना है कि अगर ई एम एफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है, एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वी और आर के बीच में ग्राफ कैसा होगा ठीक है। तो देखिए कैसा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का नेट जो है ठीक है, जो हम लोग लूप लॉ लगाएंगे, किरचॉप्स लूप लॉ ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई माइनस आई आर माइनस स्मॉल आई आर इक्वल टू 0 आएगा ठीक है। यहाँ से जो करंट का वैल्यू है वो आप लिखेंगे क्या, ई बाई आर प्लस आर ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए तो ये हम लोग का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा हम लोग का वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो ये हो गया ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ई आर बाई आर प्लस आर ठीक है। सो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बाई वन प्लस आर बाई कैपिटल आर ठीक है। अब देखिए अगर मेरा रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये जो वोल्टेज है ठीक है भी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा ठीक है। और अगर आर हम लेते हैं इन्फिनिटी, तो मेरा फिर भी क्या आ जाएगा, तो भी मेरा आ जाएगा ई ठीक है, मैंने ई को अप्रोच करेगा कह सकते हैं ठीक है। तो देखिए आर अगर 0 है तो भी 0 है ये वाला देखिए, और जब आर मेरा इन्फिनिटी हो जा रहा है तो भी मेरा एप्सिलॉन को अप्रोच कर रहा है, तो यही वाला आपका करेक्ट है ठीक है। ये तो हैगा नहीं इसमें, देखिए इसमें आर 0 है तो मैक्सिमम दिखा रहा है, ये नहीं होगा, ये तो फिर बाद में देखिए डिक्रीज कर रहा था, ये तो होगा नहीं ठीक है, ये कांस्टेंट है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट है। तो ग्राफ अगर देख के बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है हम लोगों का 18। 18 में क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स ठीक है वी ऑब्टेन, क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मोर करेंट होगा सिंपली ठीक है। क्यों, तो देखिए होता क्या है कि बोला है पैरेलल कम्बिनेशन है ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, मैं आपको बता दिए, पैरेलल कम्बिनेशन में ठीक है जो हम लोग का वोल्टेज है भी, यानी पैरेलल यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा ठीक है। ओके और जो रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस वो क्या होता है, वो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वो हो जाता है आपका मिनिमम ठीक है, मिनिमम होता है, हम जानते हैं सीरीज में होता है मैक्सिमम और पैरेलल में मिनिमम होता है। तो अब देखिए करंट क्या होता है, आई बराबर वी बाई आर, अब ये आपका फिक्स है ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है मिनिमम, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्या हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इन ए वी टेस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द
बैटरी है और क्या है, और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, हाँ पहले भी हम लोग किए हुए हैं, रिपीट कर रहा है, पहले भी किए हुए हैं आप, ठीक है। सेट शायद 1 में भी था, 2 में भी था, तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका आप मुझको कमेंट करके बताइएगा ना। आप पूरा उम्मीद है कि आप मेरा जो और सेट है वो देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अभी तुरंत कमेंट कीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन देखिए जो रिपीट हो रहा है, पहला तो वो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको आपको मिस नहीं करना है, एग्जाम में बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या है, इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू थिन वायर ऑफ कॉपर। ये भी देखिए, ये भी आपका रिपीट कर रहा है, ये भी आपका रिपीट किया है, तो रिपीट किया है, इम्पॉर्टेंट है और ईजी है ना। हम लोग तो इसको सेट 1 में भी देखे थे, शायद सेट 3 में भी देखे थे, ठीक है। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था, ये भी आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है, वेरी ईजी है, आप हमको बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हाँ मिस मत कीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम है, हाँ हल्का नहीं लेना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हमको बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आपको फिर दिक्कत होगा, ठीक है। कुछ आपको करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। चलो वरना हमको क्या है, 1 सेकंड में टिक कर देंगे, तो कितना टिक नहीं करना ना, थोड़ा सा आपको भी पढ़ना है। चलो रेजिस्टेंस ऑफ अलोई मैंगानीन, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट कर गया है, ठीक है, ये भी रिपीट कर गया है। इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था हम आपको समझाए थे, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम समझाए थे, है ना, तो आई होप आप लोग देखे होंगे उसमें, ठीक है। तो क्या था इसका, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये हम आपको बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, करंट फ्लोस थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस केस में सेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ फ्रेम नॉट जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा नॉट जीरो, हाँ तो जीरो कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ जीरो होगा, हम लोग ये देख लेते हैं। देख लीजिए ये क्या है, ये अगर आप देखिएगा ना, तो ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो ये देखिए ये आपका पास कर रहा है सेंटर से, ये ऐसे हो जाएगा, इधर भी देखिएगा तो ये, तो सेंटर से देखा जाए तो इसका तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड से जो हमको डिस्टेंस चाहिए वो तो जीरो हो मिल जाएगा, ठीक है। जो तो सेंटर पे चूंकि हमको बताना था, तो सेंटर पे कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना, तो सेंटर पे तो डिस्टेंस जीरो, सेंटर से डिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसमें भी देखिएगा तो ये भी सेंटर से पास कर रहा है, मिला के देखिए ना, देखिए सेंटर से पास कर रहा है, मतलब पास नहीं कर रहा है, एक्चुअली है तो ऐसा ऐसा ही दिया हुआ, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, ये आपको चाहिए, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ये आपको चाहिए। तो आप जब देखेंगे तो लाइन अलोंग द सेंटर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से जीरो होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें तो मिल जाएगा, इसमें हमको मिल जा रहा है ना, देखिए ये हमको मिल जा रहा है, ठीक है, इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, सेंटर से, हाँ इधर भी मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका जो भी आएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल बाई ईच अदर, कैंसिल बाई ईच अदर, चूंकि एक आपका तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, एक आपका इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, तो कैंसिल होकर के ये भी जीरो हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसी में हमको नॉट जीरो मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या है नेक्स्ट है हम लोगों का, फिर से देखिए ग्राफ का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, है ना, ग्राफ का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो अगर ग्राफ भी चलिए इसी बहाने आप सीख जाइएगा, और अच्छा क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में भी आता है, और अगर आप आगे जेई मेन वगैरह लिखेंगे ना, तो उसमें आपको जेई मेन में एडवांस में वहाँ भी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस फॉर्मूला से काम करना है, क्या होता है देखिए, करेक्ट करेक्ट प्लॉट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का, जो डिस्टेंस ऑफ वेरी करता है रेडियस आर, ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बी का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल कैपिटल आर लेंगे, रेडियस कैपिटल आर है ना, इंटू स्मॉल आर, ये कब होगा, ये होगा अगर आर से मेरा कैपिटल आर बड़ा हो, ठीक है, और दूसरा वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा अगर कैपिटल स्मॉल आर मेरा
रेडियस से बड़ा हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ऐसे बोल सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल आर है, और इसमें हम लोग देखेंगे तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर जो आपका रेडियस है अगर वो कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है, कैपिटल आर से छोटा होने का मतलब क्या है कि देखिए ये कैपिटल आर है, तो इधर ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये वाला पोर्शन में क्या बोल रहा है, बी प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो ये वाला हो गया, ठीक है। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पाराबोलिक मिलेगा कर्व, ठीक है, जब आर मेरा आर से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें देखिए मिल रहा है पाराबोलिक मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी आपका ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद, नेक्स्ट 23 के बाद है 24 नंबर, 24 देखिए क्या है 24, ठीक है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, ए करंट कैरिंग अ लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। बड़ा अच्छा सेट है ना ये जो सेट है हम लोगों का, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन जो है नया नया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ तो चलिए, कुछ नया कलेक्शन भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इतना मुश्किल तो जैक में नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ CBSE ICSE वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से अच्छा कलेक्शन है। चलिए देखिए 24, तो क्या होता क्या है, जो टॉर्क का वैल्यू है वो होता है, याद किए होंगे आप, एन आई ए बी साइन थीटा, इन आपका नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, ये आपका करेंट है, ये आपका एरिया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एरिया पे तो डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है ना, यस डिपेंड्स, एरिया पे आपका डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ करेंट, करेंट पे भी डिपेंड करता है, आई देख रहे हैं डिपेंड करता है इस पे भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे तो कोई जवाब आपको नहीं है, सारा पे तो डिपेंड करता है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोलता है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन चेंज, ठीक है, फायर्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज नहीं चार्ज होगा, ये फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज, ठीक है, फायर्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, नो फोर्स, ठीक है। तो फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है हमारा जो लॉरेंज फोर्स है वो है क्यू भी क्रॉस बी है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू भी बी साइन थीटा। तो अगर थीटा का वैल्यू पाई ले लें, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा जीरो, है ना, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, साइन पाई आपका जीरो होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठीक है, तो लास्ट सेट चल रहा है ना, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना, कंपटीशन वगैरह भी तो देना है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज में नहीं आ पाएगा, बीच में गैप है। क्या है, क्या मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर बाई ए स्ट्रेथ वायर कैरिंग करेंट, देन स्ट्रेथ वायर काउज ए नोटिसिबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास ऑफ नीडल, यस करेक्ट, सही बात है ये तो, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे करंट तो शो करेगा। द अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विथ स्ट्रेथ वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, ये भी करेक्ट है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन में बोलता है सिर्फ एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्या है भाई, दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इसमें ये दोनों वाला करेक्ट है, ठीक है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट लिख दिया है तो आपको उसी को बताना था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा 27, ठीक है, क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स करेक्ट, करेक्ट को छांटना है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को ये ओबे नहीं करता है, इसलिए कि थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ में क्या होता है, इक्वल फोर्स जो है, फोर्स आपका क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता ही ना है, ठीक है, एफ वन टू इज इक्वल टू एफ टू वन, ऐसा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा
नहीं होता, ठीक है ना, तो ये थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए टू पार्टिकल हैव रेशियो, वोरेसिटी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 ऑन इंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ द रेशियो ऑफ द रडाई ऑफ देयर पाथ। ठीक है, क्या करना होगा, कुछ करना नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या होता है, जैसे लॉरेंज फोर्स हम लोग देखेंगे क्यू भी भी, तो ये क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है mv² / r का, है ना, तो यहाँ से जो हम लोगों को रेडियस मिलता है वो है mv/qb। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सपोज कीजिए कि ऐसा हो कि जैसे r1/r2 निकालना है, ठीक है, तो r1/r2 के r2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं r जो है वो प्रोपोर्शनल है v का, है ना, तो ये v1/v2 के बराबर आ जाएगा, और v1/v2 कितना दिया हुआ है 3/2, तो ये भी 3/2 होगा। ठीक है, ऐसा बनाएंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद, क्वेश्चन 28 के बाद है 29 नंबर, डू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, क्या पढ़े हैं आप लोग बताइए, पढ़े हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमेशा तो बनाता ही है, यस, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज क्या बनाता है, ये क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ LdIdt, ये अनालोगस है, किसका अनालोगस है, ये फोर्स का अनालोगस है, याद रखिएगा, एल जो होता है ना, एल एल आपका मास के अनालोगस होता है, और जो DiDt है ये आपका एक्सीलरेशन का, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्स का, ठीक है, फोर्स के अनालोगस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 के बाद क्या आ रहा है, 31 देखिए, विथ डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल 2 एम्पियर से घटा करके जीरो कर दिया गया इतना सेकंड में, ईएमएफ जनरेटेड है 1000 वोल्ट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है -MdIdt, यही ना होता है, ठीक है, ओके, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे ई जो है हमारा दिया हुआ है 1000, ठीक है, एम निकालना है, निकाल सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, करंट जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ, 2 एम्पियर से जीरो तक, तो 2 - 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0.01 सेकंड में कर रहा है, तो 1000 m × 2 × 100 लिख दीजिए, ठीक है, तो ये और ये आपका कट जाएगा, तो 2 5 = 10, तो m का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 5 आ रहा है, यानी 5 हेनरी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, ऐसे ही बनाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 32 क्या है, 32 में क्वेश्चन 32 है, ए कॉइल इज प्लेस्ड, ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग 0 to 18 टेस्ला इन 0.1 सेकंड, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होता क्या है, I बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाएंगे तो क्या होता है, d∅/dt होता है ना, होता है ना, अगर एक ही टर्न का बात करें तो ई बराबर क्या होता है, -d∅/dt होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हम लोगों का a इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग डी फाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, a × dB लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r a × dB/dt, ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप काम कर लेंगे। अच्छा अब देखिए, तो हमको निकालना है इंड्यूस्ड करेंट, तो 1/r, r कितना है, r है आपका 5, ये आपका r हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका db निकल जाएगा यहाँ से, ये आपका हो गया टाइम, सब बैठा दीजिए, तो 1/5 × a² × 18 तक चेंज कर रहा है, और by 0.1, ठीक है, इसको आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व करके बताइए क्या आएगा, करके बताइए, देखिए 2 × 18 × 10 लिख देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा ना, by 5 5 2 = 10, तो 18 4 = 72, ठीक है, 72 तो आ गया, 72 दो जगह दिया। अच्छा देखिए हो क्या रहा है, हो रहा है यहाँ पे कि करंट जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा,
इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट करंट ठीक है विल अपोज, ये अपोज करेगा, ठीक है, विल अपोज दी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विल अपोज दी, ठीक है, चेंज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, ये आपका इंक्रीज कर रहा था, दैट इज चेंज ऑफ इंक्रीज, है ना, जो चेंज ऑफ इंक्रीमेंट है, इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये अपोज करेगा, ठीक है। कौन लॉ है ये, लेंस लॉ है, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज का अगर अपोज करेगा तो इंक्रीज किस होगा, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका अपोज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये गलत हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा। हाँ, इसलिए कि क्लॉकवाइज होता है ऐसे, लेकिन इसका अपोज करना है, तो इसका अपोज करेंगे तो क्या होगा, इसका अपोज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए 32 के बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 देख लेते हैं क्या है। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर करेंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से लाई कर रहा है, और सेंटर, ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है एक्स वाई, ऐसा है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई क्या होगा, ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स है ना, जो इंटर करेगा, टोटल फ्लक्स जो इंटर करेगा और जो आउट होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपस में इक्वल होगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या होना चाहिए आपका, जीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 34 नंबर, ठीक है, 34 क्या है, 34 देखिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है बताइए, नॉट करेक्ट है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन करंट, बिल्कुल सही है, यही तो है फराडेज का लॉ, फराडेज का लॉ है, तो ये आपका करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, ये भी करेक्ट है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट रहेगा उसमें, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ, ये भी करेक्ट है। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही गलत हो गया, इसलिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये क्या करता है, बेस करता है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद 35, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, चलो इसको बना लेते हैं अच्छे से। हाँ आप बना लीजिए पहले पॉज करके, बिल्कुल बनेगा, इतना इतना क्वेश्चन किए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको, बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या है, इंडक्टेंस एल है और लेंथ एल दिया हुआ है, एरिया इसका ए लेना है, तो होगा क्या फॉर्मूला, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न की बात कर रहा है, कैपिटल ए डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, ये लेंगे, योग्य हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, जो ए है मेरा द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ सोलेनोइड लेंथ एन विथ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न, अच्छा ये मेरा फिक्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न फिक्स्ड है, तो ऐसा कर देंगे, ये दोनों को हटा दीजिए, ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे ना कि L क्या होगा, L यहाँ से आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू A और L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई करेंट I, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, हमको हमको L को बढ़ाना है, L को क्या करना है, L इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, तो देखिए एल अगर इंक्रीज कराना है तो ए को भी इंक्रीज कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और आई को क्या कराना पड़ेगा, आई को डिक्रीज कराना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओहो हो आई कहाँ से आ गया, एल होता है ना, लेंथ दिया है ना, लेंथ लेंथ ये यहाँ पे एल होगा, ठीक है, फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है,
ए बाई एल। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, होता है आपका जिससे हम लोग देखे हैं एल जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता है, तो हम लोगों का एल डी आई बाई डी टी। देखिए ई एम एफ बराबर क्या होता है, ई एम एफ बराबर होता है, देखिए हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, जैसे ई एम एफ बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से एल अगर निकालेंगे तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा मेरा ई एम एफ डी टी बाई डी आई, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्मॉल एल, ठीक है, तो स्मॉल एल आएगा, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए स्मॉल एल होना चाहिए ना, स्मॉल एल, ठीक है। चलिए तो अब हो गया, तो ये भी स्मॉल एल हो गया, तो यानी क्या, यानी देखिए अगर ले तो एल को इंक्रीज कराने के लिए ये मेरा इंक्रीज करना चाहिए और लेंथ डिक्रीज करना चाहिए, तो एल डिक्रीजेज होगा एंड ए इंक्रीजेज होगा, एल डिक्रीजेज एंड ए इंक्रीजेज, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। इस तरीके से देखिए बनाना है क्वेश्चन को, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है और सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, और मुझको पूरा उम्मीद है कि आपने सारा क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है। तो जितना भी देखिए सेट हमारा था 1 2 3 4 5 सब मैंने करा दिया है, ठीक है, मैंने और कोशिश किया है कि कोई उसमें मिस्टेक ना हो, तो सारा ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आप सेट 1 2 3 4 5 इन सबको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो इंटायर जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया वो कॉन्सेप्ट को भी आप पढ़िएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, आपका क्लियर रहेगा तो आपको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जो उससे जो आपका लिंक्ड है, जो आपका लिंक्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सीरीज का पूछा है तो पैरेलल का क्या होगा, कहीं पे पैरेलल का है तो सीरीज का क्या होगा, या कहीं पे करंट के बारे में पूछा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कहीं पे पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको भी आप देख लीजिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप, बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएगा, ठीक है, फुल मार्क है ना, बिल्कुल आपका 100% आप स्कोर करेंगे, ठीक है। जो कि सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से निकाल करके ला करके मॉडल सेट में डाल दिया गया है, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर आप मैथ्स भी आपका है 12 में, तो मैथ्स का भी सारा सेट बना हुआ है 1 से लेकर 5 तक, इसको भी जा करके देखिए, अच्छे से काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, अब मैंने समझा समझा के बनाया है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ओवर आप ऑल अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो करके रखिए, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए मेरे चैनल में कंटेंट भरा हुआ है, और मैं जो है जानने वाली और इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है इस एज में, जितना आप वीडियो देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जो मैंने मांगा था आपको आंसर्स वगैरह वो दीजिएगा, उसके अलावा कोई भी और इश्यू होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जो है बेस्ट विशेस करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है एक तरह से, है ना, इस पे जो आपका नंबर आएगा वो लगभग 50% मार्क्स जो है यहीं से आपका अभी जो है कंसिडर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फिर जो कंटेंट होगा उसके साथ मैं आपको आपके साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक मेरे साथ आप बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।